नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से वक्त है टैक्स चोरों का लेखा जोखा आप सभी लोगों के सामने रखने का और चोरों की विस्फोटक खबरें आप लोगों के बीच में देने का, जो अभी तक 50 घंटे की रेड के बाद फैक्ट्स निकल करके आए हैं। पंपी जैन, मियां मलिक और याकूब के घर से, वो फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा कि भाई ये इत्र वाले के मित्र कौन हैं, तो मैंने यही बोला कि इत्र वाले के मित्र जो पहनते लाल टोपी और लाल टोपी पहन करके मीडिया में छपता है जिनका चित्र, तो ये जो इत्र वालों के मित्र हैं उनकी अभी बहुत बुरी हालत है। सबके घरों में तापमान बहुत बढ़ गया है। यूपी का सियासी तापमान तो वैसे ही बढ़ा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी, पंपी जैन, याकूब, मियां मलिक, पीयूष जैन, इनके घरों का तापमान तो बिना सिगड़ी के ही बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। हालत खराब है। इन तीनों के घरों में भी पिछले 50 घंटे तक रेड चलती रही है। सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि कितना कुछ मालमत्ता निकला है। पंपी जैन के लिए डेफिनेटली आने वाला समय बहुत मुश्किलों से भरा होने वाला है। थोड़ी सी बात करूंगी दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल की, वो भी समाजवादी पार्टी से बड़े प्रेरित हैं। वो इत्र से पैसा बना रहे हैं, ये शराब से पैसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। पप्पी जैन, मियां मलिक और मोहम्मद याकूब, तीनों के घरों में कन्नौज में छापे पड़े। 50 लोकेशन में टोटल भारतवर्ष के अंदर छापे पड़े और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम्स थी वो नोट गिनने की मशीन लेके गई। नोट गिनने की जो मशीन थी बेचारी, उनको भी 3-4 घंटे लग गए नोट गिनने में। अब आप सोचो कितना नोट रहा होगा। अगर इंसान बेचारा गिनता तो उसके तो हाथों से खून निकलने लग पड़ता, जिस अमाउंट में आजकल नोट निकल रहे हैं इन महान लोगों के घरों से, इत्र वालों के घर से। मतलब इत्र का बिजनेस तो कमाल हो गया भैया। मैं तो सोच रही हूँ आप, हम तो ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं, ये इत्र के बिजनेस की रेसिपी हमें भी बता दें, थोड़ा पैसा हम लोग भी कमा लें। पर खैर, ऐसे झूठ का पैसा, भ्रष्टाचारी का और चोरी का पैसा इन्हीं को मुबारक हो। अब पंपी जैन के घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर गए थे, उनके नेतृत्व में टीम गई थी। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं, ऐसे पेपर्स मिले हैं जिसमें टैक्स चोरी के बहुत साक्ष्य हैं, और उन दस्तावेजों में से आधे से ज्यादा दस्तावेजों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिक्लेयर भी नहीं किया गया था। यानी कि उनमें जो भी कैश लेन देन की बात लिखी है, जो भी मनी ट्रांजेक्शन की बात लिखी हुई है, उसका जिक्र कभी भी आईटी डिपार्टमेंट में नहीं किया गया था। वो सारे पेपर्स अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। पंपी जैन के लिए परेशानियां डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं, इसीलिए लाल टोपी वाले इनके मित्र ने कन्नौज में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और जो उनका गुस्सा था ना, फ्रस्ट्रेशन और डर और भड़ास, वो चेहरे पर साफ मीडिया के सामने दिखाई दे रही थी। मियां मलिक के घर में भी यही हालत थी। और अगर बात करें मोहम्मद याकूब, तो उनकी बात ही क्या करें। मोहम्मद याकूब के घर में तो कहते हैं कि एक घर में घुसिया और उसके बाद आप एक कमरे में जाएंगे और फिर वो कमरा आपको लेके जाएगा न जाने कितने कमरों में। यानी कि कमरे के पीछे कमरा, कमरे के पीछे कमरा, कमरे के पीछे कमरा, कमरे के पीछे कमरा। एक कमरा देख के आपको नहीं लगेगा कितने हैं, लेकिन उसी के पीछे, उसी के अगल बगल में 22-23 कमरे हैं। चक्कर खा गई बेचारी इनकम टैक्स की टीम भी। वो सोच रहे हैं ये हो क्या रहा है, किसी के घर में जा रहे हैं तो कमरों के अंदर कमरे, कमरों के अंदर कमरे, कमरों के अंदर कमरे मिल रहे हैं। किसी के घर में जाते हैं तो तहखाने, तहखाने के बाद सुरंग। मतलब गजबी लोग हैं ये लोग, दिमाग देखिए आप इन लोगों का। तो बाय द वे, मोहम्मद याकूब के घर से अभी तक जो सूत्रों के हिसाब से निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, 4-6 करोड़ का जो कैश है वो निकला है, और उसके अलावा करोड़ों का सोना भी निकला है। और एग्जैक्ट जो नंबर है या फिगर है वो हमारे पास कुछ समय में जब भी आएगी, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसको डिक्लेयर करेंगे तो करेंगे। अभी इन तीनों के यहाँ पर जो 50 लोकेशंस में रेड पड़ी थी उससे भी काफ़ी ऐसे दस्तावेज निकल करके आए हैं जिससे समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतें डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी समाजवादी पार्टी से आकर के देश का दिल, यानी कि आपकी और मेरी राजधानी, हमारे प्यारे दिल्ली की। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ने पैसा कमाने का बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, मज़ेदार रास्ता खोज दिया है, आसान रास्ता, कि भाई दिल्ली के ऐसे करो, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में शराब की दुकानें खोल दो, हर जगह दो दो खोल दो, रात के 2-2 बजे तक खुली रखो और खूब शराब बेचो और उसके बाद पैसा कमाओ। उनको ये चिंता नहीं है कि 2-2 बजे तक छोटी छोटी गलियों में, मोहल्लों में शराब की दुकानें खुलेंगी, लोग शराब खरीदेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो फिर
लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ेगा, महिलाओं की सिक्योरिटी का क्या होगा, दारू पी के कितना रक्कस होगा, जो लोअर तबका होता है उनके हस्बैंड्स को अगर मतलब अपने घर के पास में दारू मिलेगी तो वो कितनी मार पिटाई घर में करेंगे, घरों में से चोरी करके शराब खरीदेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जियो मरो, आपकी मार कुटाई हो, महिलाओं के साथ गलत हो, व्याभिचार हो, हाउ डज इट मैटर टू मिस्टर केजरीवाल, उनको उनका सरकारी कोष भरना चाहिए, उसके बाद वो अपना चेहरा चमकाएंगे यानी कि एडवर्टीजमेंट में उस सरकारी कोष को लगाएंगे। तो उसके खिलाफ कल पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम हो रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के, और इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल विधानसभा का भी पहला सत्र है जिसमें केजरीवाल अपने विधायकों को लेकर के जा रहे हैं, इस तरीके की नीतियों पर वो बात करेंगे, उनको पास करेंगे, मतलब पास तो ऑलरेडी उन्होंने कर ही चुके हैं लेकिन बाकी चीज़ें भी करेंगे, तो उसके लिए ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। और अब यही बात हो रही है कि दिल्ली को हम नहीं चाहते कि पूरे विश्व भर के अंदर दिल्ली की जो आइडेंटिटी हो, दिल्ली की जो पहचान हो, वो शराब नगरी के रूप में हो। ये विश्व भर में लोग बोले कि भारतवर्ष की राजधानी में तो जहां देखो वहां शराब बिक रही होती है, बह रही होती है, तो दिल्ली को शराब नगरी ना बनने दिया जाए, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में शराब की दुकान ना खोली जाए। ये रात के दो दो तीन तीन बजे तक क्या शराब की दुकानें खोल के आप चलाने वाले हो भैया, मतलब कुछ तो सेंसिबल बातें करो। IRS ऑफिसर है और इस तरीके की बातें करते हैं, समझ में नहीं आ रही है। तो इसी के विरोध में और इसको रोकने के लिए, ये जो बहुत गलत डिसीजन है उसके लिए कल चक्का जाम दिल्ली में है, तो इसमें सब लोगों को अपना सहयोग मेरे हिसाब से अवश्य करना चाहिए। मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ कि इन लोगों के पास सोच नहीं है क्या, ये लोग कोई इनोवेटिव आइडियाज नहीं सोच सकते, ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं कर सकते हैं क्या, रेवेन्यू जनरेशन के लिए कोई टैक्स की चोरी करवा रहा है, कोई शराब बिकवा रहा है, कोई महाराष्ट्र के अंदर उघाई करवा रहा है, मतलब उल्टे तरीके सारी उल्टी चीजें जिससे आम जनता को परेशानी हो, लेकिन नेताओं के ठाट हो, नेता मजे से ऐश से रंज के अपनी जिंदगी जिए, तो इसका विरोध करना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ, अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर होंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।